ग्लोबल वार्मिंग तो एक ग्लोबल फेनोमेना है और काफ़ी समय से इस पे वार्निंग दी जा रही है, लेकिन राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन झारखंड सरकार और इसके टेक्निकल पार्टनर सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट सीट के संयुक्त तत्वावधान में एनर्जी ट्रांजिशन में झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका पर कॉन्फ्रेंस सह रिपोर्ट रिलीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रिपोर्ट में डार्क बोर्नलाइजेशन और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की गति देने के लिए झारखंड के क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यह रिपोर्ट देश में किसी राज्य के क्रिटिकल मिनरल्स की संभावना पर केंद्रित बेहद महत्वपूर्ण शोध अध्ययन में से एक है। इस कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग झारखंड सरकार के अध्यक्ष एपी सिंह, आईएएस सेवानिवृत्त योजना और विकास विभाग के सचिव मस्त राम मीणा, आईएएस खान और भू तत्व विभाग के निर्देशक शशि रंजन आईएएस और उद्योग विभाग के निर्देशक सुशांत कौरव आईएएस की गरिमा में उपस्थिति के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों, थिंक टैंक और नागरिक समाज संगठनों की प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। For a sustainable solution, your contributions are invaluable. ग्लोबल वार्मिंग तो एक ग्लोबल फेनोमेना है और काफी समय से इस पे वार्निंग दी जा रही है, लेकिन पब्लिक के कंडक्ट में भी कोई बहुत ज्यादा सुधार हुआ हो या उसमें जो भी, या तो उतना लोगों को अवेयर नहीं किया जा सका है, क्योंकि दिनों पे दिन आप देखिएगा कि पीसीसी की संख्या बढ़ती जा रही है। जो पानी का सीपेज होता था वो होना बंद हो गया। अब आप रोज, आप ही लोग रिपोर्ट लिखते हो कि रांची के फ्ला पॉकेट में अब 500 मीटर पे भी पानी नहीं आ रहा है, जो पहले 100 मीटर पे, 20 मीटर पे, 40 मीटर पे आ रहा था। ये जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें भी ये बातें आ रही हैं कि क्योंकि जितना वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है उतना रिचार्ज नहीं हो रहा है। फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बढ़ गई, तो छोटी सी एरिया में जहाँ पे पहले एक घर या दो घर होते थे, दो फैमिली रहती थी, वहाँ 50 से 100 फैमिली रहने लगी, तो उस एरिया पे उतना प्रेशर बढ़ गया। तो चाहे वाटर एक्सट्रैक्शन हो, चाहे सीवेज पे लोड हो, चाहे आपका वेस्ट मैनेजमेंट पे हो, किचन वेस्ट हो, तो सारे चीज़ पे लोड बढ़ गया। तो इसमें मतलब कि ये अगर सोच लिया जाए कि खाली सरकार के भरोसे हम रहें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो हमको लगता है कि ये असंभव होगा और सभी लोगों को एफर्ट करने पड़ेंगे। फिर जो ग्रीन कवर है, जैसे पेड़, तो बड़ी अच्छी सड़कें बन जा रही हैं, और लेकिन उसका जो रिप्लेसमेंट है, जो बड़े 100 साल पुराने, 60 साल पुराने पेड़ कट रहे हैं, वो तो उसको फिर कम से कम 20 साल तो लगेंगे उस लेवल पे आने के। अब उस दिशा में भी शायद उतना काम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि किस तरीके से कोलैबोरेटिव एफर्ट्स गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को मिलके करने से ही इसमें प्रगति सकती है। मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, अभी मैं वर्तमान में अध्यक्ष 5th राज्य वित्त आयोग के रूप में कार्य कर रहा हूं। Ladies and gentlemen, it's my thanks to all our distinguished speakers today as well as for the incredible